नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल 2022 सीजन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। चेन्नई सुपर किंग की जीत का जश्न बनाने के लिए आयोजित द चैंपियंस कॉल कार्यक्रम में धोनी पहुंचे थे। उनसे संन्यास के ऊपर सवाल पूछने पर उन्होंने कहा, मैं संन्यास के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूँ। अभी हम नवम्बर में हैं और आईपीएल 2022 अप्रैल में खेला जाना है। उन्होंने आगे कहा, मैंने हमेशा से अपने क्रिकेट के लिए योजना बनाई है। मैंने अपना आखिरी घरेलू मैच और आखिरी वनडे दोनों रांची में खेले थे। उम्मीद है मेरा आखिरी T20 मैच भी चेन्नई में होगा, चाहे वह अगले साल हो या आने वाले 5 सालों में। धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास लेने के बाद आईपीएल में खेलते रहे हैं। 2020 में चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। टीम पहली बार प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने धोनी पर भरोसा जताया था और साल 2021 के सीजन में धोनी की टीम कमाल की वापसी करते हुए चौथी बार चैंपियन बनी थी। चेन्नई और कोलकाता के बीच खेले गए 2021 के फाइनल के बाद भी धोनी से जब उनके संन्यास के ऊपर पूछा गया था कि आप अपने पीछे एक विरासत छोड़कर जा रहे हैं, इस पर धोनी ने मज़ेदार जवाब दिया था। धोनी ने कहा था कि उन्होंने अब तक आईपीएल छोड़ा नहीं है। उनके जवाब से ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि वो आईपीएल 2022 का हिस्सा ज़रूर होंगे। और अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं धोनी का आईपीएल 2022 में खेलना लगभग तय लग रहा है। और ये धोनी के फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि कोई भी धोनी का फैन उनको मैदान से दूर नहीं देखना चाहता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।